हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलजेब्रा की एक सिंपल सी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसके अंदर अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल ए इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन गिवन हो और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू अगर पूछे तो हम इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस टू करके निकाल सकते हैं, जो कि ए यहाँ गिवन होगा, और इसकी वैल्यू हम ए क्यूब माइनस 3a करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को हम करके देखते हैं, यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स इजिकल 4 गिवन है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर 14 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए ए क्यूब माइनस 3a करना पड़ेगा, तो ए क्यूब का मतलब होगा 4 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 यानी कि हमारा पास आ गया 64 माइनस 12, इसका आंसर हो जाएगा 52। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए।